मेरे चैनल में जब बात आता है आपको पकड़ना कहा है नानचाकू कहाँ पकड़ के आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे आप बिगिनर है तो आपको पकड़ना है इधर, जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से आपको 3 इंच या 2.5 इंच यहाँ पे दूर यहाँ पे पकड़ना है, ठीक है। तो आपको यही पे पकड़ के नानचाकू को प्रैक्टिस करना है इधर, क्योंकि बेसिक मूवमेंट सब इधर से ही पकड़ने के बाद स्टार्ट होगा। नानचाकू के बहुत सारे वेरिएशन एंड बहुत सारे मूवमेंट में नानचाकू को कभी हम इधर पकड़ते कभी इधर पकड़ते। अब बात आता है नानचाकू को हम प्रैक्टिस जब करेंगे, प्रैक्टिस करने टाइम कैसे हमको स्टांस हमारी कैसे रहना चाहिए। नानचाकू प्रैक्टिस करने टाइम हमारी जो स्टांस कैसा होना चाहिए, जैसे हम राइट हैंड को प्रैक्टिस कर रहे हैं तब हमारी राइट लेग सामने होना चाहिए, जब हम लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करेंगे तब हमारी लेफ्ट लेग पहले होना चाहिए। यह है कुछ मतलब बेसिक चीज। अगर आप चाहते हो तो जैसे कराटे के डिफरेंट ऑफ दाची है, शिकोडाची, फॉरवर्ड स्टैंड, जंगशुडाची, निकोवाशिडाची, कोकुशुडाची, इन सब दाची में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर बात करते हैं आप जैसे नॉर्मल पोजीशन में, ऐसे नॉर्मल पोजीशन में रह के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हालांकि जब कराटे प्रैक्टिस में जब सिखाया जाता है नानचाकू को, तब दाची में भी सिखाया जाता है कि फॉरवर्ड स्टैंड लो, जंगशुडाची लो और जंगशुडाची से प्रैक्टिस करो, ये कराटे में सिखाया जाता है। और अगर फ्री स्टाइल की बात की जाए तो फ्री स्टाइल में क्या होता है, कोई भी स्टांस से कोई भी मूवमेंट कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर है। और कुछ कुछ चीज़ है, कुछ कुछ मूवमेंट है जो एक प्रॉपर स्टांस से ही अच्छा दिखता है और करने में आसानी होता है, तो आपकी मर्जी। आप कैसे रहना चाहते हो, नॉर्मल पोजिशन पर रहना चाहते हो या कोई भी स्टांस पर रहना चाहते हो, ये आपकी मर्जी।